जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 117 केंद्रों पर 38,741 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 29,851 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 8,890 लोग शामिल रहे। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से अपील किया कि टीका जरूर लगवाएं और अपने बारी का इंतजार करें। उन्होंने बताया कि अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि अगर आपके क्षेत्र में बाढ़ आई है तो पानी को उबाल करके पिए, जिससे कि जल जनित बीमारी से बच सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज 117 जगह पर हमारे जिले में टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हमारे जिले में 33,000 लोगों का आज के दिन का टीकाकरण हो गया है। हमारा 35,000 का लक्ष्य है जो सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। अभी पोर्टल पर एंट्री हो रही है तो 35,000 से ज़्यादा का हमारे यहाँ टीकाकरण हुआ है आज। सर लोगों से क्या? लोगों से अपील है कि टीकाकरण जरूर कराएं और अपनी बारी का इंतजार करें। हम 20 लाख से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण आज तक कर चुके हैं और हमें 16 लाख के आसपास का टीकाकरण और करना है। सभी का हम जल्दी से जल्दी टीकाकरण कराएंगे, साथ ही साथ कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है। भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, मास्क लगा के बाहर निकलना है। मास्क आजकल जो कॉमन कोल्ड वायरस का प्रकोप हुआ है वो उससे भी बचा जा सकता है अगर आप मास्क लगाए हैं तो। जैसे कोरोना का वायरस से बचाया जा सकता है अपने को मास्क से, उस तरह से ये कॉमन कोल्ड के भी वायरस को अपने मास्क से बचा सकते हैं। तो हमारी अपील है कि सभी लोग मास्क लगाएं, स्वच्छ पानी पिए। अगर आपके एरिया में बाढ़ आई है तो आप गर्म उबाल करके पानी पिए या तो क्लोरीन गोली डाल करके उसको जब ठंडा हो जाए, सेटल हो जाए, कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो उसके बाद पिए, जिससे कि बीमारियों को से हम बचा सक आप लोग बचेंगे और खुद हम लोगों को सहयोग करेंगे।